चमनगंज पुलिस ने दो अपराधियों के पैर में मारी गोली। 25,000 रुपए के इनामी थे बदमाश। बदमाशों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगस्टर एक्ट व शस्त्र अधिनियम के लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। पुलिस द्वारा अपराधियों का नाम अकील उर्फ सन्नू एवं विक्की उर्फ विजय सोनकर बताया गया। रात में चमनगंज थाना प्रभारी और सर्विलांस टीम प्रभारी की टीम ने एक सराहनीय काम किया है, जिसके अंतर्गत रात में लगभग 3:15 बजे के आसपास पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी दो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक का नाम अकील उर्फ सन्नू है, दूसरे का नाम विक्की सोनकर है। इसमें अकील पे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चैन स्नैचिंग और हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसे मुकदमे दर्ज हैं। ये हिस्ट्री सीटर भी है और जनपद के टॉप 10 में चिन्हित हैं। और विक्की सोनकर पर भी लगभग 1.5 दर्जन के आसपास चैन स्नैचिंग और इस तरह के मुकदमे, संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पे 25,000 का इनाम था और ये दोनों फतेहपुर नाव, कानपुर देहात और कानपुर नगर के कई थानों में चैन स्नैचिंग की वारदातें कर चुके हैं, जिसमें हाल ही में एक हॉर्नेट बाइक के साथ जो स्वरूप नगर, पनकी, चकेरी, बर्रा और कल्याणपुर थानों में जो चैन स्नैचिंग की ताबड़तोड़ वारदातें की गई थी और CCTV से भी इन वारदातों में इनकी पहचान की गई थी, उन वारदातों में यही लोग इन्वॉल्व थे। इनको आज पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इनके यहाँ से 6 सोने की चैन, 1 लॉकेट और कैश और 2 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं।